1980 की दहाई में बॉलीवुड की दुनिया पर राज करने वाले शशि कपूर दुनिया से तो बिछड़ गए, लेकिन अपने मदाओं के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। पेशावर में भी शशि कपूर को खिराज तहसीन पेश करने के लिए मुख्तलिफ मकतबे फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शमे रोशन करके उनकी बॉलीवुड के लिए खिदमात को सराहा। ट्रिब्यूट पेश करने का बुनियादी मकसद हमारा ये था कि कम से कम हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोगों को ये मालूम हो कि पेशावर के लोग अपने जो इनके हीरो हैं, जो इनके बड़े हैं, उनको कभी नहीं भूलते। शशि कपूर की मायानाज अदाकारी और दिल फरेब नगमे हमेशा चाहने वालों के दिलों में जिंदा रहे। यम्मा 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 के खूबसूरत समा, यम्मा 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 के खूबसूरत समा, बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहां तुम कहां। मकान पर इकट्ठे होने वाले शुरका का कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि कपूर हाउस को कौमी विरासत करार दे दे, ताकि ऐसे लेजेंडरी अदाकार की यादें हमेशा चाहने वालों के दिलों में जिंदा रहें। हुकूमत से मुतालबा है कि ये इसको भी, ये जो राज कपूर का ये घर है, इसको भी कौमी विरासत करार दे दिया जाए और इसको लाइब्रेरी के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, कौमी विरासत के तौर पर भी किया जा सकता है। शुरका ने इस बात पर भी जोर दिया कि पाकिस्तान और इंडिया की आवाम को खुद में से नफरतें खत्म करके एक दूसरे के करीब आ जाना चाहिए, इसी तरह दोनों ममालिक तरक्की कर सकते हैं। कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ अजम रहमान, कैपिटल टीवी, पेशावर।